नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे स्वागत करता हूं आप सबका इस अनोखे YouTube चैनल में जिसका नाम है विश्व शांति दर्शन और जिसकी संकल्पना विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ करार जी की है। आइए सुनते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। कॉर्पोरेट कर्मचारी बने संरक्षणवादी, 10 रुपये में वायु प्रदूषण से छुटकारा, सड़कों से बचाया कमजोर महिलाओं को, कागज पर छपी बायोडिग्रेडेबल बैटरी, तेलंगाना में बढ़ा वन आवरण। एक कॉर्पोरेट कर्मचारी ने 100 एकड़ से ज्यादा बंजर जमीन को जंगल में बदल दिया, आइए देखते हैं। एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट वरुण रविंद्र ने अपने पेशेवर करियर के शुरुआती दिनों में पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने आह्वान को महसूस किया। उन्होंने अपने पिता के प्रकृति के प्रति प्रेम और जानवरों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर 2009 में परिवार के खेत में काम करना शुरू कर दिया और अपने पिता की जैविक कृषि पद्धतियों में योगदान देना शुरू किया। उन्होंने कर्नाटक तमिलनाडु सीमा के पास 100 एकड़ संपत्ति खरीदी, 2016 में वनंतरा का गठन किया जिसमें वर्तमान में 250 से अधिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40,000 से अधिक पेड़ हैं। वनंतरा में मुख्य रूप से मृदु स्थितिकरण और विविध प्रजातियों के विकास के लिए आदर्श स्थितियों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दशकों से रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के गहन उपयोग के परिणाम स्वरूप अधिकांश मिट्टी निष्क्रिय हो गई थी। पिछले 4 वर्षों में वरुण और उनके समूह ने पारंपरिक वनीकरण कार्यक्रम के तहत वनंतरा में 40,000 पेड़ लगाए हैं और बेंगलुरु के मियावाकी जंगल में 40,000 और पौधे लगाए हैं। प्रदूषण से निपटने के लिए कम लागत वाले लेकिन प्रभावी उत्पादों का आविष्कार, लेते हैं ज्यादा जानकारी। IIT दिल्ली के पूर्व छात्र प्रतीक शर्मा ने अपने साथी तुषार व्यास और जतिन केवलानी के साथ नैनो क्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड नामक पुरस्कार विजेता स्टार्टअप की स्थापना की जो प्रदूषित हवा के लिए कम लागत वाले निवारक उपाय और एयर फिल्ट्रेशन के लिए एक नवाचार विकसित कर रहा है। आज उनका अभिनव फिल्टर जिसे नेसो फिल्टर नाम दिया गया है, जिसकी कीमत करीब 10 रुपये है, 30 देशों में लोगों को वायु प्रदूषकों से बचा रहा है। यह एक श्वसन फिल्टर है जो सांस लेने के दौरान धूल और छोटे निलंबित कणों को रोकता है। इस स्टार्टअप को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। दक्षिण कोरिया ने वित्तीय सहायता प्रदान की है और आज उनके उत्पाद और वितरक 30 देशों में फैले हुए हैं। पिछले 23 सालों से एक डॉक्टर दंपति सड़कों से कमजोर महिलाओं को बचा रही है। उनका केंद्र अब 300 महिलाओं के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल है। अहमदनगर के काका साहेब मस्के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 1998 के स्नातक डॉक्टर राजेंद्र धमाने और उनकी पत्नी डॉक्टर सुचेता धमाने ने मावली सेवा प्रतिष्ठान शुरू किया था, जिसका लक्ष्य एक दिन में करीब 90 बेघर लोगों को खाना खिलाना था। लेकिन 2007 में हुई एक घटना ने उनकी राह बदल दी और इस दंपत्ति को अधिक काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने और सैकड़ों बेघर महिलाओं को घर देकर उनकी पीड़ा को समाप्त करने में मदद करने का फैसला किया। अब तक उन्होंने 500 से अधिक महिलाओं को बचाया है, जिनमें से कुछ की वृद्धावस्था या बीमारी के कारण मृत्यु हो गई है, जबकि उनमें से अधिकांश यानी 350 महिलाएं इस केंद्र में स्वस्थ जीवन जी रही हैं। सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने कागज पर छपी एक बायोडिग्रेडेबल बैटरी विकसित की है, डालते हैं एक नजर। सिंगापुर में नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने लचीली और पहनने योग्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को शक्ति प्रदान करने के लिए एक स्थायी विकल्प खोजने के प्रयास में कागज जितनी पतली बायोडिग्रेडेबल जिंक बैटरी विकसित की है। पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आधारित यह अपनी तरह का एक अनूठा नवाचार माना जाता है। यह बैटरियां इलेक्ट्रोड से बनी होती हैं, जो सेल्युलोज पेपर के एक टुकड़े के दोनों किनारे पर स्क्रीन प्रिंटेड होती है, जिसे बाद में हाइड्रोजेल के साथ प्रबलित किया जाता है। बैटरी के घटकों को घेरने के लिए एल्यूमिनियम या प्लास्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। बैटरी अपने उपयोगी जीवन के अंत तक पहुंच जाती है तो
इसे मिट्टी में दबा दिया जा सकता है जो एक महीने के भीतर पूरी तरह से विघटित हो जाती है। तेलंगाना ने वन आवरण की उच्चतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है। सुनते हैं पूरी कहानी। तेलंगाना के वन क्षेत्र में 6.85% की वृद्धि हुई है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार 2015 में तेलंगाना में वन आवरण 19,854 वर्ग किलोमीटर था, जो 2019 में बढ़कर 20,583 वर्ग किलोमीटर हो गया और 2021 में 21,214 वर्ग मीटर हो गया, जिसमें वन आवरण में 6.85% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के 7 प्रमुख शहरों में हैदराबाद ने 2011 से 2021 के बीच 146% पर उच्चतम दशकीय वृद्धि दर्ज की है। राज्य सरकार के प्रमुख हरित अभियान तेलंगाना को हरिता हरम के तहत सरकार ने 2015-16 से 2022-23 तक राज्य भर में 230 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? आइए हम आपको बताते हैं जाते जाते। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर योजना भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। यह पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदियों के संगम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हरि के बराज से शुरू होती है और राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान में सिंचाई सुविधा में समाप्त होती है। पहले यह प्रकल्प राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था। इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इंदिरा गांधी नहर का नाम दिया गया है। इसी के साथ आज के संस्करण में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।